दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो एक मल्टी बैगर रहा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। पिछले 4 साल में ऑलमोस्ट 9 टाइम्स रिटर्न दिया है। ऑलमोस्ट 250 से वो 2250 तक गया है ये स्टॉक। और ये स्टॉक और कोई नहीं, टीवीएस मोटर है। आपको पता है इसका रिजल्ट 2-3 दिन पहले आया था, और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कैसा लग रहा है ये स्टॉक और यहाँ से ये कितना भागेगा। क्या ये स्टॉक अभी भी मल्टी बैगर है, इस तरह से ही रिटर्न देगा जैसे उसने पहले जाता, वो हम बात करने जाए। काफी लोगों ने ये फरमाइश दी कि ये स्टॉक का रिव्यू कराया जाए। आपकी वो कोई फरमाइश हो कि आपको कोई स्टॉक रिव्यू करना है या सेक्टर, यू कैन पुट इट इन द कॉमेंट बॉक्स। एंड ऑल्सो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो गाइस, एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। चलिए बात करते हैं पहले रिजल्ट की, कैसा रहा रिजल्ट, और मैं आपको पूरा वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से और कैसे ये टीवीएस मोटर बाकी सब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के सामने खड़ा है, हम लोग डिटेल में बात करेंगे, तो बने रहे एंड तक। सो टॉकिंग अबाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट द रिजल्ट। तो रिजल्ट ओवरऑल अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट टीवीएस मोटर्स ने हमेशा नो अच्छा ही रिजल्ट दिया है। सो अगर हम लोग देखेंगे तो इवन इफ यू टॉक अबाउट क्वार्टरली रिजल्ट, तो क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें हम लोग, आप देख सकते हो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 23.7% का ग्रोथ रहा है अगर आप ईयर टू ईयर की बात करें। लेकिन अगर आप बोलोगे कि भाई फाइनेंशियल या क्वार्टर 3 से क्वार्टर 4 में क्या हुआ, तो उसमें क्वार्टर 2 इसी ईयर में ग्रोथ नहीं हुआ, माइनस है, लेकिन ईयर ऑन ईयर 23.7% से ग्रो हुआ है। इबिटा मार्जिन अगर आप बोलोगे क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑलमोस्ट नो 36.3% से ग्रोथ हुआ है, दैट इज ऑलमोस्ट 105 BPPS। अभी वो ही 105 यानी 1% से ये ऑलमोस्ट इबिटा ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। उसके वजह से ही आप प्रॉफिट में इतना बड़ा जंप देख रहे हो। देखो इतना बड़ा जंप लाना इतना इजी नहीं है, और उन्होंने काफी रॉ मटेरियल कॉस्ट में और काफी सारे अदर कॉस्ट मटेरियल में भी उन्होंने ऑप्टिमाइज किया, उसके वजह से ही इनका इबिटा काफी अच्छा बढ़ा है। हम लोग डिटेल में इसके बारे में बात करें कहाँ कहाँ वो चेंजेस आए। अगर हम क्वार्टर टू क्वार्टर की भी बात करें तो उनका ऑलमोस्ट 13 BPPS से ग्रोथ हुआ है, विच इज गुड, विच इज वेरी गुड। अगर हम लोग बाकी डायरेक्ट पीबीटी की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 22.9% से ग्रोथ हुआ है। एंड अगर ईयर ऑन क्वार्टर टू क्वार्टर की बात करें तो -13.3, तो बेसिकली क्वार्टर टू क्वार्टर इतना ग्रो नहीं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी अच्छा ग्रोथ है। और ओवरऑल रिपोर्टेड पैट भी अगर आप देखो तो 18.3 से, और यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर -18.2। सो अगर आप देखो तो नो ईयर ऑन ईयर काफी अच्छा ग्रोथ रहा है। अगर हम लोग बात करें पूरे साल की, तो पूरे साल की बात करेंगे ना, तो पूरे साल में सेल्स 20% से बढ़ा है, लेकिन आपका आपका ईबीटा ऑलमोस्ट 31.4% से बढ़ा, क्योंकि 92 BPS से ऑलमोस्ट इनका मार्जिन बढ़ा है। एंड दैट इज वेयर नो इट इज मेकिंग अ बिग डिफरेंस, वेरी बिग डिफरेंस। अगर हम लोग बात करें ओवरऑल पीबीटी से 39% से बढ़ा है, तो अगर आप देखोगे कि फाइनेंशियल 24 का प्रॉफिटेबिलिटी 2083 करोड़ है कंपेयर टू 1491, सो ऑलमोस्ट 40% ग्रोथ है, जबकि आपका सेल्स ग्रोथ सिर्फ 20% है। तो क्यों 40% का प्रॉफिट ग्रोथ आया है? द रीजन इज यहाँ जो आपका ईबीटा में एक 1% ऑलमोस्ट 1% का जो जंप आया है, उसके वजह से आपका प्रॉफिट डायरेक्टली होता है। तो यही होता है कि अगर आप आपकी कंपनी में अगर इबिटा मार्जिन लेवल पे या आप ग्रॉस प्रॉफिट लेवल पे अगर आपका 1% भी इंक्रीमेंट आ जाए, तो ये पैट लेवल ना सडनली एक बड़ा जंप दिखाता है, और जिसके वजह से स्टॉक भी काफी भागते हैं। तो ये इसलिए ना कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एट ग्रॉस प्रॉफिट लेवल, रॉ मटेरियल लेवल, इवन द एक्सपेंस लेवल मेक्स अ ह्यूज ह्यूज डिफरेंस। सो ये हमेशा आपको बात रखनी है जब भी आप कोई स्टॉक को इवेल्यूएट करते हो, और इसी लीवर्स पे टीवीएस मोटर ने काम किया है। जब हम बात करें वॉल्यूम मिक्स की, और ये इम्पोर्टेंट डेटा है, क्योंकि अगर आप डोमेस्टिक मोटरसाइकिल की बात करें तो ऑलमोस्ट 24.7% जो वॉल्यूम मिक्स होता है वो वहां से आता है, जिसमें जो अभी 29.2 आ गया है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये देखें तो यहाँ एक अच्छा खासा जंप आया है। अगेन डोमेस्टिक स्कूटर्स की बात करें तो 33.8 था, इसमें भी 34, डोमेस्टिक मोपेड में 11.5, यहाँ थोड़ा डाउनग्रेड हुआ है। डोमेस्टिक थ्री व्हीलर ऑलमोस्ट 0.01 से हुआ है, वो इतना ज्यादा नहीं है कंपेयर टू बजाज एंड ऑल दैट। तो टोटल डोमेस्टिक में एक 71 से 75.8 का जंप आया है।
जब हम लोग एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट में एक्चुअली डीग्रेड हुआ है। आप देख सकते हो कि ना 22.3 से 18.4 चला गया। एक्सपोर्ट में स्कूटर्स में बढ़ा है, तो एक्सपोर्ट मोटरसाइकिल्स में डीग्रेड हुआ था और स्कूटर्स में बढ़ा है फ्रॉम 2.5 टू 2.8। एक्सपोर्ट थ्री व्हीलर्स में भी डाउनग्रेड हुआ है। सो आप पहले 29 था जो अभी कम होके ऑलमोस्ट 24.2 हो गया है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि पहले जो 71% डोमेस्टिक था वो अभी 75.8 हो गया है और एक्सपोर्ट से जो 29.2 वो 24.2। तो डोमेस्टिक बढ़ा है और एक्सपोर्ट कम हुआ है और वो भी एक रीजन हो सकता है कि उनके EBITDA में क्यों फर्क रहा है, क्योंकि वहां भी डोमेस्टिक लेवल पे भी थोड़ा उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है। जब हम बात करते हैं कि टोटल मोटर डोमेस्टिक टू व्हीलर इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, उसमें मोटरसाइकिल ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि 63% है। स्कूटर्स पहले जो 29.8 था वो बढ़ के 34.3 आ चुका है और मोपेड्स 2.7 है। अब ये 63 में अगर आप देखोगे तो टोटल मार्केट शेयर जो TVS का है वो 10.5% है, जो पहले 8.9 था जो अभी बढ़ के 10.5% हो गया, तो विच इज गुड। इवन हम स्कूटर की बात करें तो वो 34.3 था वो बढ़ के 34.3 था वो बढ़ के अभी घट के अभी 24.9 आ गया है। सो यहाँ स्कूटर्स में थोड़ा कम हुआ है और मोटरसाइकिल्स में बढ़ा है और मोपेड में तो ये अकेले ही है तो ज्यादा कोई है नहीं। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 17.6 का जंप आया कंपेयर टू 16.4, विच इज अ डिसेंट इनफ जंप कंपेयर टू अर्लियर। सो मोटरसाइकिल में जंप आया, स्कूटर में थोड़ा आप देख कह सकते हो कि ओके बड़ा है, इतना ज्यादा बड़ा नहीं है। नाउ बात करते हैं हम लोग हम लोग बात करेंगे अभी टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में कैसे जंप आया है और किस तरह से परफॉर्मेंस किया है। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में काफी बड़ा USP था TVS मोटर का। तो आप यहाँ देख सकते हो जब उन्होंने May 22 से चालू किया था 1.1 था, वो जाके ऑलमोस्ट 24.7% उनका शेयर आ गया था बाय ऑलमोस्ट August 23। अब वो कम होके ऑलमोस्ट अभी 11.8 आ गया है। अभी यहाँ एक दिक्कत आ रही है, ये जो 11.8 आया है अप्रैल 24 में, ये ऑलमोस्ट आप देख सकते हो आधा हो गया। अभी यहाँ एक प्रॉब्लम आ रही है कि क्या ये TVS मोटर अगेन जो पहले बादशाह कहलाता था, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करो, क्या वो अपना मोजो लूज कर रहा है, क्या वो अपनी लीडरशिप लूज कर रहा है यहाँ? तो ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि इससे इम्पैक्ट आएगा। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक सिरदर्द तो है ही TVS मोटर पे, लेकिन उसके वजह से ना वैल्यूएशन में थोड़ा इम्पैक्ट आ जाता है। जब हम लोग बात करते हैं गाइडेंस की और उनका आउटलुक की, तो देखो पहली बात तो अगर आप लोग बात करें कि जैसे उन लोगों का परफॉर्मेंस, तो EBITDA मार्जिन ने बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट लिया हुआ। क्यों? क्योंकि मटेरियल कॉस्ट रिडक्शन एफर्ट काफी अच्छे थे, 1% से इम्प्रूवमेंट था, कॉमोडिटी सॉफ्टनिंग, अपॉर्चुनिटीज प्राइसिंग, यानी वो प्राइस भी काफी बढ़ा रहे थे काफी सारे मॉडल्स के, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट और ओवरऑल प्रोडक्ट मिक्स के वजह से उनमें काफी बेनिफिट हुआ था। जब हम लोग बात करें कि भाई लॉन्ग टर्म EBITDA कितना होगा, तो अभी जो हम लोग ने देखा कि 11.3, वो चाहते कि वो जाके 14 से 16% हो, विच इज अ क्वाइट अ बिग जंप फ्रॉम द करंट EBITDA। अगर ये अचीव होता है और अगर वॉल्यूम अपटेक भी डिसेंट होता है तो उनके वैल्यूएशन में काफी बड़ा एक्सपेंशन होगा। ये हमेशा हमने के ध्यान रखते हैं, ये उनका गाइडेंस है, जरूरी नहीं है कि ये होगा ही होगा, ये सोच रहे कि इतना जाके पहुंचेगा तो ये, लेकिन हाँ ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव फिगर है। जब हम लोग बात करते हैं कि भाई कंपनी कैसे ग्रो होगी, तो बेसिकली कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि वो 2x से ग्रोथ होगी कंपेयर टू इंडस्ट्री, क्योंकि उनके रेडा, एपएचए, रोनिन, जुपिटर 125 जैसे मॉडल है, अलोंग विद न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो नए ला रहे हैं। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में वो अभी जो मार्केट शेयर लूज करे, होपफुली वो आगे जाके रिकवर होगा। जब हम लोग बात करते हैं कंपनी R&D फैसिलिटी, उनकी बहुत ही अच्छी R&D फैसिलिटी, इसलिए आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में उन्होंने काफी अच्छा ग्रोथ दिया था। एक लेवल पे वो 25% ऑफ मार्केट शेयर हो गए थे, इवन डोमेस्टिक रिटेल नेटवर्क भी काफी बड़ा है। सो एक्सपोर्ट भी धीरे धीरे रिकवरी आएगा और सेल्स वॉल्यूम भी बढ़ेगा, दैट इज व्हाट एक्सपेक्टेशन इज। कंपनी ROE डिलीवर में वो बोल रहे कि वो 27-30% का डिलीवर कर सकते हैं नेक्स्ट कुछ सालों में, विच इज अ गुड डिसेंट इनफ ROE फॉर एनी मोबाइल इंडस्ट्री कंपनी।
अगेन मॉनसून अगर जैसे अगर नॉर्मल होता है, जो अभी मॉनसून आएंगे 2-3 महीने में, तो ये ऑलमोस्ट रूरल डिमांड बूस्ट करेगा। और उसके वजह से ना टीवीएस मोटर को एक बड़ी सेल्स आ सकती है। देखो आपको भी पता है कि ये जो ज्यादा टू व्हीलर सेल्स और वो जो होता है वो एट ए डोमेस्टिक लेवल होता है, डोमेस्टिक लेवल पे रूरल एरिया में होता है ना, क्योंकि वो लोग ज्यादा बाइक्स खरीदते हैं, तो वहां से एक बड़ा इम्पेक्ट आएगा अगर ये मानसून अच्छा रहा तो। अगर हम लोग बात करें कि नॉर्टन जो इनका एक बड़ा इन्वेस्टमेंट था पिछले कुछ टाइम से, तो वो बेसिकली आपको नेक्स्ट 4 to 6 quarter यानी आपको एक तरह से 1.5 साल रुकना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी वो लोग काम कर रहे हैं और वो डिजाइन और डेवलपमेंट फेज में, तो वहां से भी उनकी रेवेन्यू आएगी, वहां से अभी रेवेन्यू आ नहीं रही है। अगेन वो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है कंपनी, और ग्रेजुअल रिकवरी वो बेसिकली एक्सपेक्ट कर रहे हैं अफ्रीका रीजन से, क्योंकि अफ्रीका रीजन में ना उनका काफी बड़ा एक्सपोर्ट होता है, तो कमिंग क्वार्टर्स में वहां एक डिसेंट इनफ बेसिकली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से बढ़ोतरी होगी। जब हम लोग बात करते हैं कि भाई पिकअप कैसा है और ईवी व्हीकल में, तो पिकअप ईवी व्हीकल में तो ओवरऑल तो अच्छा है, लेकिन इनको उनका जरा ये बेसिकली मार्केट से इसे लूज करना पड़ा, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स भी हाईली कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रख रहे हैं, काफी डिस्काउंट दे रहे हैं, और उसके वजह से ना बेसिकली डिमांड में हैम्पर आ रहा है टीवीएस का। लेकिन आगे जाके ईवी व्हीकल का डिमांड बढ़ेगा, और उसके वजह से आईसीए को जो इंटरनल कंजम्पशन जो इंजिन के जो व्हीकल्स है वहां उनको इम्पेक्ट है जो ट्रेडिशनल व्हीकल्स है। सो डिमांड थोड़ी कम होती है इलेक्ट्रिक के लिए, और आईसी का अगर डिमांड भी कम होता है तो प्रॉब्लम आ जाती है। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल में उनको यहाँ से अच्छी खासी सेल बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आईसी में डिमांड कम होती है तो उनका मार्जिन में भी इम्पेक्ट आ सकता है। अगेन हम लोग जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बिफोर टैक्स की बात करें, क्रेडिट सर्विस जो उनकी एक क्रेडिट आर्म है जो लोन्स प्रोवाइड करती है और सब प्रोवाइड करती है, ये सब हो ये बेसिकली ऑटो लोन एंड ऑल दैट स्टफ, तो वो अराउंड 7.6 बिलियन है फाइनेंशियल 24 का, कंपेयर टू 5.1 बिलियन इन फाइनेंशियल 20। तो एक वहां से भी उनका एक अच्छी खासी रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट होने लगी है। जब हम बात करते हैं कि एक्सपोर्ट रिकवरी कैसी होगी, तो वो बोल रहे हैं कि भाई सेकेंड हाफ ईयर 25 एस्टिमेट से उनकी रिकवरी ज्यादा अच्छी होगी अफ्रीकन रीजन में, और साउथ इंडिया साउथ ईस्ट मार्केट शेयर में भी उनका काफी अच्छा बेसिक प्रदर्शन रहेगा, और ये एक्सपेक्ट करे सो सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल 25 एस्टिमेट वो अच्छा रह सकता है। सो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है कि भाई नेक्स्ट नेक्स्ट 2-3 साल में ना वो 10% से ग्रो, वो वॉल्यूम आपको लगेगा यार ये 10% ज्यादा नहीं है, लेकिन ये ज्यादा है, ओवरऑल अच्छा ही है, एवरेज इतना ही रहता है, लेकिन अगर इससे बेहतर करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। सो ये है बेसिकली ओवरऑल एक्सपेक्टेशन नेक्स्ट 2 साल के लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमने गाइडेंस देखा, लेकिन हमने हमें देखना है कि पिछले कुछ सालों में कैसा परफॉर्म किया है, तो अगर हम लोग कंपाउंडेड सेल्स देखेंगे ओवरऑल 10 साल में ये 15% से ग्रो हुआ है, 10 साल की बात कर रहा हूँ, और इस साल में वो 20% से ग्रो है। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 10 साल में 23% से ग्रो है, जो सेल से अच्छा है क्योंकि उनका मार्जिन भी अच्छा था, और 12 महीने में ये 46% से ग्रो हुआ है, सो दैट इज गुड। जब हम लोग स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 10 साल में वो सीएजीआर 33% का रिटर्न दिया, विच इज अ मल्टी वैगर स्टॉक, और एक साल में वो उसने 67% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। ओके, सो आपने देखो 46% से ग्रो है, उसके सामने 67% का तो सीएजीआर स्टॉक ग्रोथ आ ही चुका है। आरओई अब देखते हैं तो ऑलमोस्ट 30% है, जो 10 साल का 23 है, सो वहां भी इंप्रूवमेंट है। तो आप कोई किसी भी एंगल से देखो कि ये स्टॉक ने ओवरऑल परफॉर्म अच्छा किया है, तो ऐसा नहीं कि जो जो उन्होंने परफॉर्म किया वो उनके बेसिकली रिजल्ट में दिख रहा है, इनके स्टॉक प्राइस में भी दिख रहा है, सो ऐसा तो नहीं बोल सकते कि अभी सस्ता मिल रहा है, नहीं, टीवीएस मोटर इतना सस्ता नहीं मिल रहा है, वो प्राइस टू परफेक्शन है। तो अभी हम लोग थोड़ा वैल्यूएशन की बात करते हैं कि इस वैल्यूएशन में क्या आपको ये स्टॉक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सो टॉकिंग अबाउट द वैल्यूएशन, लेट मी शेयर यू द के वैल्यूएशन में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं डिटेल में। सो टॉकिंग अबाउट दैट, अगर आप देखो ये स्टॉक जैसे मैंने बात की कि ओवरऑल तो अच्छा परफॉर्म किया है, कोई इश्यू नहीं है, स्टॉक ने अच्छा ग्रोथ दिया, लेकिन जब हम लोग पी रेशियो की बात करते हैं तो वो अभी जो कम होके वो आया था
31 वो अभी आपका है 58, तो पी रेशियो इज ऑन अ हायर साइड। ये पी रेशियो नहीं देख सकते हैं, तो पहले 21 में जो 32 था वो ऑलमोस्ट अच्छा खासा 58 पे आ चुका है। ईवी बाई ईबीटा भी आप देखो ऑन अ हायर साइड है, लेकिन इसका बेसिकली ओवरऑल साल बाय साल ईपीएस बढ़ ही रहा है। जब हम लोग बात करते हैं कि कंपैरिजन कंपेयर टू अदर नो मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर, सो टॉकिंग अबाउट दैट, अगर आप बात करोगे तो पी ऑलमोस्ट जिसका मैंने जैसे बोला इज ऑन अ हायर साइड 58, ओके, विच इज ऑलमोस्ट प्राइस टू परफेक्शन जैसी बात होती है ना, कि ओवरऑल इंडस्ट्री का भी 58 है, ये आइशर कंपेरेटिवली लेस है। ओके, अगर आप देखो आरओई 27 है, आइशर का 24 है, ठीक है। और अगर आप ग्रोथ देखोगे तो कंपेरेटिवली 100% टीवीएस मोटर का काफी अच्छा है। ओके, एंड ईवी बाई ईबीटा भी ऑन अ हायर साइड है, लेकिन इवन आइशर का भी ऑन अ हायर साइड है। सो ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि भाई ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से बहुत ही अंडर वैल्यू स्टॉक है, ये प्राइस ऑफ परफेक्शन की वजह से हमें क्या केयरफुल लेना है, तो हमें ये केयरफुल लेना है कि यहाँ से ग्रोथ कैसा आ रहा है। देखिए क्यों, देखो एक सिंपल सी बात है, ये हो गया प्रेजेंट, अब हो गई बात फ्यूचर की, तो फ्यूचर में कैसे ग्रोथ है। जैसे हम लोग बोलते हैं 10% से वॉल्यूम ग्रोथ होगा, लेकिन हमें टू जो मेजर पॉइंट हमेशा ध्यान रखने हैं टीवीएस मोटर के लिए, कि एक है कि भाई इनका इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेल्स यहाँ से कैसा रहेगा, जो भी एक बड़ा डीप दिख रहा है क्या वो वापिस बढ़ेगा। जैसे मैंने बोला 25% से 11.4% आ गया है उनका शेयर, तो क्या ये वापिस आगे जाके बढ़ेगा। दूसरा ईबीटा में क्या ये इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, अगर वहां इम्प्रूवमेंट लाते हो और अगर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में उनका अच्छा खासा सेल्स रहेगा तो बढ़िया है, तो ये स्टॉक को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर आ गए, बहुत ही डिस्काउंट प्राइसिंग चल रही है और बहुत ही हाई कंपटीशन है। अब इस तरह की हाई कंपटीशन में कंपनी को अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना है और परफॉर्म करना है, नो डाउट कैपेबिलिटी में कोई डाउट नहीं है टीवीएस मोटर की, और हमेशा उन्होंने आउट परफॉर्म किया, लेकिन ये केवियट हमेशा आपको ध्यान रखना है बिफोर इन्वेस्टिंग। आप एक दो क्वार्टर और देख सकते हो कि किस तरह से रिजल्ट आ रहा है, लेकिन ये चीज हमेशा ध्यान रखो बिफोर इन्वेस्टिंग, एंड क्योंकि यही डिसाइड करेगा आगे जाके ये स्टॉक मल्टीबैगर होगा कि नहीं। सो गाइस थैंक यू वेरी मच, आपको होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल और डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और आपको कोई स्टॉक्स रिव्यू करने हैं तो प्लीज इट पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। ऑल्सो गाइस, अगर आपको ये हमारा एनालिसिस अच्छा लगा है तो स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, वो कमेंट बॉक्स में डालियोगे, वो आप देख के सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस, एंड इसी अच्छी तरह से आप हमेशा ज्वाइन होते रहना, एंड आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।